तो दोस्तों पेश है आपके सामने शिप्रा ढाबा। आप भी खाना चाहते हैं बिल्कुल बढ़िया सा ढाबा स्टाइल खाना तो जरूर आए शिप्रा ढाबा। आज हम आपको बताने वाले पंजाबी कोफ्ता, पनीर भुर्जी, तवा पनीर, साथ ही में दोस्तों माय फेवरेट दाल तड़का और दोस्तों तंदूर के भी कई सारे आइटम बताएंगे। बिल्कुल ढाबा स्टाइल आपको यहाँ पर सिटिंग मिल जाएगी और साथ ही में दोस्तों फैमिली हॉल भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बहुत ही ज्यादा रश होता है दोस्तों और गोलियों की स्पीड से यहाँ पर ऑर्डर आते हैं। जरूर आए शिप्रा ढाबा पर और यहाँ का खाना जरूर खाकर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना समय बिगाड़े वीडियो शुरू करते हैं। चलिए आपको मैं हमारे किचन में लेके चलता हूँ। सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट में बनने वाली दाल है और दाल तड़का है, दाल पंजाबी है। आइए मैं आपको लेके बताता हूँ। क्या बात, आपको किचन में लेके आ चुका हूँ। जो दाल का रहता है सिस्टम, ये हमारे सर आपको बताएंगे। सबसे ज्यादा दाल चलती है अरहर की दाल, चलती है तुअर की एमपी में। देखिए अब आप बन रही है हमारी दाल तड़का, आप देखिए इसको दाल, मतलब बिल्कुल ढाबा स्टाइल। क्या बात है, तेल लिया यहाँ पर, ये जीरा डाल दिया गया है यहाँ पर और ये प्याज और मिर्चे डाल दिए गए। क्या बात है, क्या बात है, आप दोस्तों फ्लेम देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब ढाबा स्टाइल हम दाल बनवा कर बता रहे हैं आपको। ये क्या डाला गया, अदरक लहसुन डाला और बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, देख सकते हैं बहुत बढ़िया, लाजवाब। ये खड़े मिर्चे डाल दिए गए, ये मिर्ची आ गई, बोलते जाइए जो भी डाल। और ये आ गई है दाल जो सबसे पहले देखी अपन ने। और क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये आ गया बटर, यहाँ पर मक्खन आ चुका है। और ये क्या चीज डाल रहे हैं, रोगन डाल दिया गया है, मतलब हमारी स्पेशल शिप्रा ढाबा की दाल यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है, ऊपर से टचअप कर दिया गया है। ये देखिए ये दाल तड़का यहाँ की स्पेशल, क्या बात है, मतलब अब इस पे तड़का लगाया जा रहा है ढाबा स्टाइल दाल का। ये जीरा डाला, ये जीरा डाल दिया, हरी लाल मिर्ची, खड़ी लाल मिर्ची, पीसी लाल मिर्ची, ये थोड़ा सा रोगन, हाँ बटर, ये बटर, बटर और लाल मिर्ची। क्या बात है, क्या बात है, मतलब यही है दोस्तों स्पेशल शिप्रा ढाबा की दाल तड़का। क्या बात है, क्या बात है, हमारी तैयारी देखिए ये, क्या बात है, मतलब देख सकते हैं दोस्तों तैयारी में यहाँ पर पनीर फ्राइड, पनीर अलग अलग शेप पे कटे हुए, मतलब भिंडी फ्राई, पनीर अंगारा का पनीर काट रखा बड़ा पीस, ये तवा पनीर का छोटा पीस है। क्या बात है, क्या, ये शाही पनीर का पीस है। क्या बात है, मतलब मटर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, मटर पनीर के लिए मटर रखे हुए, मिक्स वेज के लिए सारी वेजिटेबल रखी हुई है, आलू रखा हुआ है, ग्रेवी के कंटेनर यहाँ पर कंटिन्यू देख सकते हैं, यहाँ पर लिए जा रहे हैं, उस्ताद ले रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। और कटिंग यहाँ पर चल ही रही है। स्पेशल हम आपको बता रहे हैं शिप्रा ढाबा का खाना आखिरकार बनाया किस तरीके से जाता है। अब आपको हम पनीर के उस्ताद से मिलाते हैं, जो हमारे मतलब जो दाल तो अपन ने देख ही ली बनते हुए, अब क्या बनवा रहे हैं अपन, अपन पनीर की सब्जी बनवाएंगे। क्या बात है, मतलब पनीर के उस्ताद अलग है, हाँ, पनीर के उस्ताद अलग है हमारे। पंजाबी कोफ्ता बनाइए, तेल डाला, क्या बात है, देखिए दोस्तों प्याज भी, अदरक लहसुन का पेस्ट है, आप देखिए दोस्तों क्या बात है, क्या बात है, टमाटर डाला जा रहा है, मतलब ये पूरी ढाबा स्टाइल बन रही है। क्या बात, ये लाल मिर्ची डाल दी गई है, ये हल्दी डाल दी गई है, ये स्वाद अनुसार, ये किचन की, ये चना मसाला, ये कसूरी मेथी डाल दी गई है, बहुत बढ़िया। ये कौन सी ग्रेवी होती है, ये काय की बनाई जाती है, अच्छा प्याज की होती है, और रेड वाली में काजू मगज प्याज टमाटर होते हैं। क्या बात है, ये देखिए दोस्तों ऊपर से थोड़ा रोगन डाल दिया गया, ये ग्रेटेड यहाँ पर पनीर आ गया, और ये मावा, और ये बटर आ चुका, बहुत बढ़िया। ये कोफ्ते, मतलब जो पनीर कोफ्ता था जो दिखाया हमने, क्या बात है, क्या बात है। और ये देखिए रफली यहाँ पर पनीर डाल दिया गया, क्या बात है, और ये हरा धनिया डाल दिया गया, मतलब दोस्तों ढाबे का खाना है बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है, बहुत ही जायकेदार मिलने वाला है। तो अब आपको हम तवा पनीर बता के, क्या बात, तवा पनीर बताते हैं।
ये ऑयल ले लिया गया है, क्या बात है, फ्लेम को फुल कर दी गई है यहाँ पर। ये हरी मिर्ची डाली जा रही है, बहुत बढ़िया, मतलब ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल होने वाली है। ये क्या ले रहे हैं, ये टमाटर लिए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, ये देख सकते हो दोस्तों, बहुत बढ़िया, लाजवाब, क्या बात, मतलब खड़ी लाल मिर्ची डाल दिए दो, बहुत बढ़िया। ये अदरक लहसुन, और ये देखिए ये आग निकल चुकी है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत। ये लाल मिर्ची पाउडर, ये कसूरी मेथी, ये नमक, ये किचन की, ये चना मसाला, और ये धनिया, येलो ग्रेवी, ये पनीर डाला जा रहा है, क्या बात है, ये मावा, और ये आ गया यहाँ पर बटर, बहुत बढ़िया, दूध डाला जा रहा है, क्या बात है। देखिए दोस्तों, दूध भी डाल दिया गया, ढाबा स्टाइल ही है बिल्कुल ये तो सब्जी, क्या बात है। ये तवा पनीर की कटिंग अलग है, ये रोगन आ चुका है यहाँ का स्पेशल, क्या बोलते हैं इसे, सिल्वर फाइल की नाव, क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों, बिल्कुल ढाबा स्टाइल हमारा यहाँ पर तवा पनीर बनकर रेडी हो चुका है। अब इसकी प्रेजेंटेशन देखिए ऊपर से कैसे होती है। अच्छा, ये तवा भी गर्म आ चुका है, बिल्कुल तवा, ये देखिए दोस्तों, ये पनीर डाल दिया गया, बहुत बढ़िया। ये देखिए दोस्तों, हमारा पंजाबी कोफ्ते और तवा पनीर दोनों यहाँ पर रेडी हो चुका है। यहाँ पर ढाबे पर एक उस्ताद दिखे, सर ये क्या चीज बना रहे हैं ये? सर अपन ये ढाबे की ग्रेवी बना रहे हैं, सारी जो साइड डिशेज जो बनती है, जी जी, चलो प्याज की ग्रेवी बना रहे हैं अपन, जी जी, उसके अंदर अपन ने हांडी में तेल डाल दिया है। मैंने ये आपकी हांडी भी देखी, मतलब बिल्कुल ढाबे की है, यहाँ पर सारे मसाले ऐड कर दिए, अब इसके अंदर अपन येलो प्याज की ग्रेवी बना रहा है, क्या बात है। ये ग्रेवी की सारी सामग्री रखी हुई है, ये प्याज है, जो व्हाइट मसाला है, क्या होता है इसके अंदर, व्हाइट मसाला है, काजू, मगज, इडली, खसखस, खोपरा, सब अरकोप वगैरह सारे आइटम देते हैं, क्या बात है, ड्राई फ्रूट सारे देते हैं, ये अदरक लहसुन देता है, क्या बात है, ये अदरक लहसुन देता है, ये इतनी क्वांटिटी में अदरक लहसुन यहाँ पर, क्या बात है। ये दूध है, अच्छा दूध भी डालेगा, दूध भी डालेगा, क्या बात है, मतलब ये सारे मसालों के साथ में यहाँ पर ग्रेवी बनाई जाएगी। बस अब अपन इसके अंदर प्याज ऐड कर रहे हैं। अच्छा, ये कितने घंटे की प्रोसेस रहेगी अब ग्रेवी? प्रोसेस सर 7 घंटे में पूरा कंप्लीट होगा, क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए 6 से 7 घंटे पूरा पकेगी सर ये, अब जाके रेडी होगी। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने फ्राई पैन की तरफ और यहाँ की ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी बनवाते हैं और देखते हैं। ये ऑयल लिया, ये प्याज डाल दिया गया, ये हरी मिर्च है, ये टमाटर आ चुके, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये देखिए दोस्तों, ये आग देखिए, अरे वाह, ये बहुत ही बढ़िया। ये पनीर भुर्जी का पनीर आ गया है, क्या बात है। ये देखिए दोस्तों, ये ड्राई यहाँ पर पनीर भुर्जी बन रही है, ये मिर्ची आ चुकी है, ये हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी, नमक, तो ये किचन की, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखिए दोस्तों, बहुत बढ़िया ड्राई हमारी यहाँ पर, मतलब पनीर भुर्जी रेडी हो चुकी है, और ऊपर गार्निशिंग कर दी गई है यहाँ पर हरे धनिया के साथ। ये देखिए दोस्तों, तंदूर की तरफ आ चुके हैं यहाँ पर शिप्रा ढाबे पे, और देखिए बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। अब यहाँ पर हमारे लिए लगवाते हैं यहाँ की स्पेशल, मतलब देखिए दोनों बहुत ही बढ़िया तरीके से लगा रहे हैं यहाँ के उस्ताद, कच्चा पराठा लग रहा है, क्या बात है। मतलब नान पराठे इसी तरीके से लगाए जाते हैं, क्या तंदूर के, तंदूरी रोटी के लिए वाला है,
ये लच्छा पराठा कंप्लीट हो चुका है। क्या बात है, क्या बात है। अब बाहर यहाँ पर बटर लगाया जाए जी। के दोस्तों भैया आ चुके हैं अब यहाँ पर, मतलब जो हमारी रोटी है, नान है, सबके ऊपर यहाँ पर बटर लगाया जा रहा है। दोस्तों पूरा हमारी मतलब ट्रे यहाँ पर रेडी हो चुकी है, अब बस यहाँ से हमें बस हमारा तवा पनीर लेना है और हमारी टेबल पर ले जाना है। ये ढाबा स्टाइल खाना हमारा बनकर रेडी हो चुका है। क्या बात है, ऑर्डर भी आ चुका है हमारा। ये ढाबा स्टाइल बिल्कुल तंदूरी रोटी, मतलब पहले लग जाने देते हैं सारा आइटम, बहुत ही बढ़िया। और ये देख सकते हैं दोस्तों हमारा तवा पनीर भी यहाँ का स्पेशल आ चुका है, सैलेड भी आया है साथ में। इतना रश हो रहा है दोस्तों यहाँ पर, इतनी डिमांड है, मतलब सारे खाने की डिमांड है दोस्तों, यहाँ के स्वाद की डिमांड है। इतना बढ़िया तरीके से खाना बना रहे हैं उस्ताद दोनों। इतनी क्वांटिटी में दोस्तों तांबे के बर्तन में यहाँ पर ग्रेवी बन रही थी, वही देखकर मुझे बहुत बढ़िया लगा। सबसे पहले तवा पनीर ले लेते हैं यहाँ का, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये देखिए दोस्तों दाल के ऊपर क्या आप, ये देखिए ये तड़का देखिए, यही आपको बता देगा कि हम ढाबे पर बैठे हैं, क्या बात है। माय फेवरेट दाल ले लेते हैं, दाल ले ली। तो मैं फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहा हूँ पंजाबी कोफ्ता, ये देखिए थोड़ी सी ग्रेवी लेंगे यहाँ की, मतलब रोगन रोगन तो आपको सारी चीज में यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों एक आइटम जो ढाबे में बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है जो कि ये पनीर भुर्जी, तो ये देखिए क्या बात है, बहुत बढ़िया लाजवाब, बिल्कुल ड्राई बनाकर दिख रही थी। ये देखिए बहुत बढ़िया। दोस्तों सबसे पहले यहाँ का टेस्ट कर लेते हैं माय फेवरेट दाल तड़का, मुंह में पानी आ चुका है, आ जाइए पास में। मतलब ढाबे में एक चीज में अलग सी देख रहा हूँ यहाँ पर, जो इसकी दाल की थिकनेस है, इसके अंदर दाल का पूरा यहाँ पर कण दिख रहा है। एक बाइट लेंगे, मतलब स्पाइसी टेस्टी। तुमने अभी पंजाबी ढाबे वाली वीडियो बनाई थी, उसको बीट करने वाली दाल है, माइंड ब्लोइंग। एक दो तो टेस्ट करेंगे यहाँ का पनीर भुर्जी ड्राई, बहुत टेस्टी है, किसी एक मसाले की भी कमी नहीं है यहाँ पर, स्वाद से भरपूर खाना है, बहुत ही बढ़िया। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पनीर कोफ्ता है, बहुत ही बढ़िया। इसे यहाँ पर टेस्ट करेंगे तंदूरी रोटी के साथ में, एक लास्ट बाइट लेंगे हमारा तवा पनीर के साथ में यहाँ पर, ये तवा पनीर के साथ में खाना बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, बहुत ही बड़ा सा मेन्यू है इनका, जरूर आए, उज्जैन आ रहे हैं तो शिप्रा ढाबा जरूर आए और यहाँ का खाना खाकर जरूर देखें, आपको बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी बढ़िया से बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल खाना दिखाना को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।